हर आदमी हर व्यक्ति का एक सपना होता है, रोटी कपड़ा और मकान। हमारे नौजवान इतने मजबूत हों कि आने वाले समय में अपने परिवार की नौकरी लगेगा, उसके बाद जो अनाज वितरण हो रहा है उस अनाज में 1 किलो दाल भी हम फ्री आप लोगों को देंगे। हम लोगों ने लगभग 60,000 से अधिक बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में नियुक्तियां दी। आज उसी प्रकार हम लोगों ने 32 के आधार पर, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का काम किया, लेकिन इन चतुर लोगों ने अपनी बौद्धिक क्षमता उपयोग कर आप सबको सबसे पहले मेरी ओर से जोहार। हमारी सरकार बनी उसके पहले इस राज्य में किसानों के लिए जो केसीसी कार्ड था मात्र 8 लाख पूरे राज्य में 20 सालों में हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने, हमारे विरोधियों ने बनाया। 20 वर्षों में मात्र 8 लाख किसानों को जोड़ पाए केसीसी से, लेकिन आज आपकी सरकार ने 2019 से लेकर अभी तक 4 सालों में हम लोगों ने 20 लाख किसानों को केसीसी कार्ड देने का काम किया है। कितना अंतर है, कहां 8 लाख 20 वर्षों में और कहां 20 लाख 3-4 वर्षों में। क्या कर रहे थे ये लोग, किसानों का आंसू पोंछ रहे थे कि किसानों को रुलाने का काम कर रहे थे। पूछिए इन लोगों से, आज इनके विधानसभा में, इनके पंचायत में ये शिविर लगा है, सरकार का शिविर है, लेकिन ये आएंगे नहीं बल्कि दूर से पत्थर फेंकेंगे और आपको गुमराह करने का काम करेगा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही गरीबों के लिए, कोई काम नहीं कर रही किसानों के लिए, कोई काम नहीं कर रही हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए। और मैं गिना सकता हूं एक एक करके, अगर गिनाने लग जाऊं तो इतना लंबा फेरिस्त हो जाएगा कि हमारे विपक्ष लोग नोट करते करते थक जाएगा, लेकिन नोट नहीं कर पाएगा इतना हम लोगों ने इन 4 सालों में काम किया है। आज हमारे गांव में पूरे राज्य का जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, जब ये राज अलग हुआ था, जब इस राज को पाने के लिए हमारे वीर शहीद आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो, आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में अलग राज की लड़ाई, शहीद निर्मल महतो जी की शहादत का देन है कि ये राज हमें मिला। जब राज अलग हुआ तो राज का बजट सरप्लस बजट था, लेकिन 20 सालों तक में और अब तक ये सरकार घाटे का बजट पेश करती है। कहां चला गया पैसा, जब राज अलग हुआ था उस समय पैसा तो था, लेकिन अब पैसा कौन डगार गया, ये हमारे विपक्षियों ने 20 सालों में वो सारे पैसे डगार गए। और आज एक एक तिनका जोड़ जोड़ कर जो इस राज का मूल ताकत गांव में बसता है, 80% लोग हमारे गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, आज उन गांव देहात को और कमजोर, गांव में रहने वाले लोगों को और भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। जब सामान्य जीवन था, कोई कोरोना नहीं था, कोई महामारी नहीं था, कोई सुखाड़ नहीं था, उस समय हमारे विपक्षों की सरकारों के समय लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा था, लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, सुखाड़ भी हमने देखी और कोरोना में हम लोग हवा जहाज ट्रेन और बस से ढो करके मजदूरों को गांव गांव पहुंचाने का काम कर रहे थे। और उस कोरोना में भी, उस महामारी में भी हमने एक भी मजदूरों को यहां पर मरने नहीं दिया। हम सलाम करते हैं अपने उन गांव की दीदियों को जो उस समय कोरोना के समय हमारे साथ कंधे से
कंधे मिला करके गांव-गांव में दाल भात केंद्र खोल करके अपने मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम 1.5 साल तक किया था। आपके सेवा में हमारे दो दो मंत्री शहीद हो गए, हाजी हुसैन अंसारी साहब को कोरोना ने निगल लिया और हमारे बड़े भाई जगन्नाथ मातो जी को भी कोरोना ने निगल लिया। एक बार तो किसी तरीके मौत के मुंह से हमने उनको निकाला, लेकिन जनता का प्रेम उनसे टूट नहीं पाया। जब उनको डॉक्टर ने सलाह दिया कि आपको अब बाहर जाना मना है, लेकिन गांव की तकलीफ देखकर लगातार गांव जाने की वजह से आज कोरोना ने फिर से उसको पकड़कर अपने साथ ले जाने का काम किया। ये हम लोग का सफर रहा इस चुनौती भरे वक्त में भी। आज कुछ वर्षों के बाद ये राज युवा राज होगा, 25 साल का हो जाएगा 2025 में, और 25 साल का युवा राज का ताकत इतना होना चाहिए था आज के दिन में कि 25वां साल के बाद इस राज को और इस राज के कंधे पर अपनी जिम्मेवारी उठाने का ताकत होना चाहिए था। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे इस राज के जन्म से ही इसका खून चूसना शुरू कर दिया और इसको इतना कमजोर कर दिया कि अंतोगत्वा 2000 में इस राज की बद से बदतर हालत देखकर हम लोगों ने एक मजबूत राजनीतिक जंग लड़ी और 2019 में महागठबंधन की सरकार बनाई। और आज उसका नतीजा है कि आज इस राज में बूढ़े बुजुर्गों को, इस राज में विधवा महिलाओं को, इस राज में विकलांगों को, इस राज में परित्याग महिलाओं को और आज इस राज में आने वाली पीढ़ी को सजाने संवारने वाली हमारी बच्चियों को, लगभग 8 लाख बच्चियों को हम लोगों ने सावित्री बाई फूले योजना से जोड़ा है ताकि भविष्य में ये पढ़ाई छोड़ने की इसको आवश्यकता ना पड़े। हमारा गांव इतना गरीब है, हमारे गांव के लोग इतने गरीब हैं, बेचारी बच्चियां 8वां 9वां क्लास पढ़ती नहीं है कि उसके लिए दूल्हा ढूंढा जाता है और उसको शादी ब्याह करके अपने ससुराल भेज दिया जाता है। लेकिन हम उन माँ बाप से हम आग्रह करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, अब बेटियां हमारी बोझ नहीं, आपकी बोझ नहीं बनेगी। अब आने वाला समय बेटियों को पढ़ाने के लिए 12वीं के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी पढ़ाई करने हो उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ये हमने आपके लिए कानून बनाया। इसीलिए क्योंकि हमारा ये राज शिक्षित पढ़ा लिखा हो, आज कौन झारखंड का आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक लोग सोचता था कि मेरा बेटा विदेश में जाके पढ़ेगा, लेकिन आज यही पूरा देश का पहला राज है जहां आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का बेटा आज विदेशों में पढ़ाई करने जा रहा है और डिग्री लेकर के भी वहां नौकरी कर रहा है, कोई वापस आ रहा है और उसका पूरा खर्चा पैसा सरकार उठाती है, कोई बंधक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आज हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भी आने वाला समय में आपकी बेहतर शिक्षा के लिए जो खर्च आएगा वो सरकार उठाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार जो बच्चों को पढ़ने के लिए 12वीं क्लास का जो पढ़ने के लिए जो 60,000 का ये था अनुदान था, उस अनुदान को भी अब हम लोगों ने 60,000 से 1 लाख रुपया कर दिया है। आप बच्चों को 1 लाख रुपया एडमिशन एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है कोई भी कॉलेज में, लेकिन उससे भी अगर ऊपर पढ़ाई करना हो तो उसके लिए सभी 10वीं क्लास के बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं। और उन बच्चों को अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना है और उसका पढ़ाई का खर्चा बहुत अधिक है तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का भी जरूरत पड़ेगा तो
तो उसके माध्यम से उस बच्चों को पैसा उपलब्ध कराने का काम सरकार करेगी। और आपको कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं है, जमीन गिरवी करने का जरूरत नहीं है, गाय गोरु बेचने का जरूरत नहीं है, सरकार आपका गारंटर बनेगा। जब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगा, आपको सरकार को पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। और नौकरी लगेगा, उसके बाद आप पैसा धीरे धीरे सरकार को वापस कर दीजिए। ऐसे ही कई चीजें हैं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, सबके लिए। हमारे किसान भाइयों के लिए देख रहे हैं आज के दिन में मौसम कैसा अदल बदल हो रहा है। आज हम दिसंबर खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन आज इस सभा में बहुत ऐसा लोग बैठा हुआ है जिसको स्वेटर का भी जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन 10-15 साल पहले यही वक्त होता था जब नवंबर जैसे पार नहीं होता था कि लोग मोटा मोटा स्वेटर पहन पहन करके घूमना पड़ता था। जब बारिश का जरूरत होता था, जो जरूरत होता है अब, तो सूखा हो जाता है। जब धूप का गर्मी का जरूरत पड़ता है तब ठंडा पड़ जाता है। अजीबोगरीब मौसम में बदलाव हो रहा है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। और आज इसीलिए हम लोगों ने किसानों को और भी अलग तरीके से अपना खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने चलाया है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना चलाया है, दीदी बाड़ी योजना चलाया है, अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाए हैं। आप इसके माध्यम से भी हमारे किसान स्वावलंबी और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री पशुधन में गाय बकरी मुर्गी भेड़ सुअर पड़ता था, अब इन जानवरों के अलावा भैंस का भी वितरण सरकार कर रही है। और तो और पहले जानवर ये लोग हमारे पूर्ववर्ती सरकार बीमारू जानवर देते थे, कोई किसान को जानवर मिल जाता था एक आध महीने में 10 दिन में बेचारा मर जाता था। लेकिन अब जो भी जानवर आपको किसानों को मिलेगा वो बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से कोई जानवर मर गया तो उसका पूरा पैसा बीमा कंपनी आपको देगी। तो कई ऐसी चीजें हैं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से। यहाँ हम देख रहे हैं कि कई सारी गाड़ियां खड़ी है, कई बेलेरो देख रहे हैं, कई स्कॉर्पियो देख रहे हैं। आप बैंक में जाइएगा तो 1 रुपया बैंक ग्रामीणों को नहीं देता है, ये पूंजीपतियों को ही बैंक यहाँ पर पैसा देती है, लेकिन हमारे ग्रामीण किसानों को पैसा नहीं देता है। इसलिए सरकार ने खुद ही अपनी योजना बनाई है, इसके माध्यम से आप जो काम करना चाहते हैं, गांव में महिला पुरुष नौजवान राशन दुकान चलाना चाहते हैं, महिला सिलाई दुकान चलाना चाहती है, नाई का दुकान चलाना चाहता है, ब्यूटी पार्लर का दुकान चलाना चाहता है, टेंट हाउस चलाना चाहता है, और उसके लिए अगर पूंजी नहीं है तो वो पूंजी राज्य सरकार आपको देगी। ये हम लोगों ने आपके लिए सर्जन पेंशन की। हर आदमी हर व्यक्ति का एक सपना होता है, रोटी कपड़ा और मकान। हर आदमी को जरूरत है, अमीर से अमीर गरीब से गरीब सबको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। आपको हमने पहले भी कहा सामान्य जीवन में हमारे विरोधियों ने इस राज्य में लोगों को अनाज के अभाव पे मरने पर मजबूर कर दिया। इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था, लेकिन आपकी ये सरकार बनने के बाद हम लोगों ने 20 लाख हरा राशन कार्ड बनाकर गरीबों के बीच में बांटा है। और आज उस राशन से अनाज आपको दिया जा रहा है। और आपको हम बता दें खुशी की बात, एक और हमने निर्णय लिया है, आज की महंगाई जिस तरीके से इन लोगों ने
सातवें आसमान में पहुंचा दिया है। गरीबों के लिए आज के दिन में एक एक दाना जुगाड़ करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। इसलिए आने वाला समय में जो अनाज वितरण हो रहा है, उस अनाज में 1 किलो दाल भी हम फ्री आप लोगों को देंगे। मकान की बात, अबुआ आवास का काउंटर देखिए, सबसे ज्यादा भीड़। लेकिन पेंशन का काउंटर जाके देखिए, 2-4 आदमी बेचारा वहां घूम रहा है। लेकिन वही पहले का समय था, 2019 के पहले, कि पूरा भर भर करके पेंशन का लोग आवेदन देता था। लेकिन आज डीबरी लगा करके ढूंढोगे तो बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग गांव में नहीं मिलेगा। आप ही लोग बताइए, हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है? सभी विधवा महिलाओं को पेंशन मिलता है? चलिए, कम से कम विपक्ष लोग बोलता है, पता नहीं कौन चश्मा से देखता है ये लोग। और इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था और कोई समाधान करना भी नहीं चाहता था। ये समाधान ऐसी समस्याओं का, सामाजिक सुरक्षा के बारे में चिंता वही कर सकता है जो आपके बीच का होगा। और हमें पता है इस राज्य में हमारा गांव का मूलवासी आदिवासी कितना गरीब है, कितना गांव में पिछड़ापन है। आज इसी तरीके से कई सारी चीजें अभी करना बाकी हैं, लेकिन जितना वक्त रहा उन सभी वक्तों को हम लोगों ने एक एक वक्तों को इस राज्य के लिए समर्पित किया। आज बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं। पहले चरण में 80 विद्यालय हम लोगों ने उत्कृष्ट बनाए हैं। आपके जिले में भी 2-3 स्कूल बन चुका है और आने वाला समय में इन स्कूलों की संख्या 5,000 तक ले जाने का है, ताकि हमारे स्कूल आज के बच्चे आज के प्रतिस्पर्धा में बेहतर तरीके से आगे आ पाए। कंपटीशन का जमाना है और आज जिस तरीके से नीतियां बन रही है, गरीब किसान के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जीना। आज हेन केन प्रकारन हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हम लोग जगह जगह से नियुक्ति निकाल रहे हैं। अनेक नियुक्ति हम लोगों ने कर ली है, अनेक नियुक्तियां अभी निकलने की तैयारी पर है, कई निकले हुए हैं, 50-60 हजार और नियुक्तियां निकलेंगी। पढ़े लिखे नौजवान हमारे उस क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें अब ये आन पड़ा इस राज्य में, पहले इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अगर ये 2000 ईस्वी से ही लागू होता तो शायद यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के लिए प्राथमिकता, इनको कैसे मिले रोजगार में, इसके लिए हम कानून बनाते रहे। लेकिन लगातार ये लोग हमारे उन कानूनों पर अड़चन लगाते रहे। आज आपको मालूम होगा कि हमने गैर सरकारी संस्थानों में 75% लोग स्थानीय होने चाहिए इसका कानून बनाया, और इसके तहत अलग अलग कैंपों के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 60,000 से अधिक बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में नियुक्तियां दी। आज उसी प्रकार हम लोगों ने 32 के आधार पर, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का काम किया। लेकिन इन चतुर लोगों ने अपनी बौद्धिक क्षमता उपयोग करके, अपने चालाकी से कोर्ट कचहरी करके हमें उसको में भी अड़चन लगाने का काम किया। लेकिन हमारे कदम रुकेंगे नहीं, आने वाला हर प्रयास हमारा 1932 के लिए बना रहेगा। इसके लिए हर बार इसकी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। तो नाते बुया को, अब हॉड बुया को, अब नुआ बुकारो जिला रे आमा में ना बिया आपे लगी हो,
नुआ शिविर अडी महत्वपूर्ण शिविर कान तापोना आ नुआ शिविर रे आय मालिकाना जिनिस नुआ अतु दिसम को लगी रेगे नचार होड को लगी योजना बिना कते ले भेजाओ का आपे ओंडे सिटर सिटर कते ओना योजना पंजाय पे आ रोना योजना रे लाभ हता पे कोई साथे सरकारे गोड़ो करना आरो पेंशन टेंशन ओड़ा को एमोरिया योजना चला करना ओना करे फॉर्म भरा पे नी तो अब अतु दिसम रे नुआ गोगो बाबा को ओलो पड़ा बनु कुआ आर पेंशन ओंडे सिविल रेसन खाते हांडे नोडे को नीर बढ़ाया पेंशन काउंटर रेसन खाते आवास को खोजा आवास काउंटर रेसन खाते राशन कार्ड को खोजा तो उनका हुई लेकिन बा हुई हुआ थोड़ा गन आपे उनको गोड़ो को पे जेल का फॉर्म भरा जेल का को उनको को कमिया थोड़ा गांजा ऑल पड़ा मिना पिया उनको आपे उनको हो थोड़ा गोड़ो लगी लहा पे ताकि सनाम नोडरे नबो और को द्वारे योजना रे लाभ को जाम पा तीसों कुकमुरे बाबन जान जेल लेदा बाबन आजम लेदा और बाबन नुका बन हुदिस लेदा कि नुका दुआर रे होड़ से संकते पदाधिकारी का संकते आबो को गोड़ो आबो कभी 19-20 वर्षों में कोई सोच नहीं सका कि सरकार आपके द्वार जाएगी। आज हमारी इस योजनाओं को विभिन्न राज्यों में इसी के तर्ज पर चलाया जा रहा है योजना। आपके जिला में मात्र बोकारो जिला में ग्रामीण सड़क में जो ग्रामीण सड़क बेहतर तरीके से उच्च स्तरीय बनाने के लिए लगभग 850 किलोमीटर ग्रामीण सड़क की स्वीकृति हमने दिया है जो लगभग 600 करोड़ रुपए का बनेगा। और तो और पथ निर्माण विभाग से इस जिले में लगभग 200 किलोमीटर 500 करोड़ रुपया से बनेगा। आप वहीं जाकर के देख लीजिएगा यहां पर पेंशन का आलम जाके बिहार में पता कर लीजिए पेंशन 400% मिलता है। आप उड़ीसा में पता कर लो 500% मिलता है। छत्तीसगढ़ में जाके देखिएगा 350% पेंशन लोगों को मिलता है गरीबों को। लेकिन ये राज अपने गरीबों को 1000 रुपया पेंशन देने का काम करता है। हमने आप जितना चादर उतना ही पैर पसार पाएंगे सबको देखना है। संसाधन हमारे पास सीमित है। अधिकार केंद्र सरकार देने को तैयार नहीं। हमने पहले भी कहा 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा केंद्र सरकार में बकाया है। अगर वो आज 1,36,000 करोड़ रुपया हमको मिलता तो इस राज्य के माथे पर जो पिछड़ापन लिखा हुआ है जिस दिन वो मिलता उसी दिन वो मिट जाता। लेकिन कोई देने वाला नहीं। आज वो पेंशन वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता जो 1,000 रुपया पेंशन दे रहे हैं वो हम 2,500 रुपया देते गरीबों को। आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो जो गैस सिलेंडर आपको हमारे विपक्षों ने 1,200 रुपया खरीदने पर मजबूर कर दिया वो हम 500 रुपया में आपको उपलब्ध कराते। लेकिन ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग लेने वाले लोग हैं। ये लोग व्यापारियों की वो जमात है कि पहले पैसा दो तब हम देंगे और उसमें भी कितना देंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। 1 किलो चीनी दिया 1 किलो चावल दिया तो पता चला 200 ग्राम उससे गायब हो गया। वही हाल होता है। ऐसा पॉकेट काटेंगे आपका कि आपका पॉकेट में जैसा पानी का टपकना होता है वैसे धीरे धीरे करके पूरा जेब का पैसा निकल जाता है। आज महंगाई आसमान छू रहा है लेकिन महंगाई पर ये लोग कुछ बोलने वाले नहीं है। आज गैस सिलेंडर 1200, आज नमक तेल का दाम पूछ लो तो पता चलेगा जो पहले आप किलो किलो के हिसाब से खरीदते थे अब 100-100 ग्राम आपको खरीदना पड़ता है। ये हालत है आज महंगाई का। और जब महंगाई बढ़ती है
तो सरकारी दुकान खोल करके लोगों को लाइन में लगा देता है आलू प्याज नमक तेल खरीदने के लिए। नमक भी आज 150 रुपये से कम किलो नहीं आता है। एक समय ऐसा भी झारखंड जैसे राज्य ने देखा है, गांव देहात शहर सभी जगह जो भी दुकानदार होता था सब अनाज को जरूर ताला में लगा के रख देता था, लेकिन नमक का बोरा दुकान के बाहर पड़ा रहता था, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज एक किलो नमक बाहर रख करके दिखाओ तो समझ में आ जाएगा। ये स्थिति है। रोजगार के नाम पर तो जो आलम है तरह तरह से षड्यंत्र रच करके हमें कटघरे में खड़ा करने का कोशिश करता है, एजेंसियों के माध्यम से सरकार को बदनाम और छवि खराब करने का काम में लगा हुआ है। और सरकार गांव गांव आपके आंसू पोंछने का काम कर रहा है। इसलिए साथी, आपके बीच बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछिए कि 20 सालों में आप लोगों ने क्या किया और ऐसा क्या कि हम लोगों ने 3 साल में कोरोना जैसा महामारी भी देख लिया, सुखाड़ भी देख लिया और आप हम लोग इस राज्य की दिशा में जो गति दे रहे हैं कि जब ये 25 साल का ये युवा राज हो तो ये इतना मजबूत हो कि अपने राज्य की जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठा सके, हमारे नौजवान इतने मजबूत हों कि आने वाले समय में अपने परिवार की जिम्मेवारी उठा पाए। आज महंगाई इतना अधिक हो गया कि बूढ़ा माँ बाप को बेटा लोग भी निकाल देता है, लेकिन अगर बूढ़ा को पेंशन मिलता है तो पेंशन के लालच में बेटा भी उसको रख लेता है। और हमने ये देखा भी है कई जिलों में एक ही घर में बाप भी पेंशन ले रहा है, माँ भी पेंशन ले रही है और बेटा भी पेंशन ले रहा है। और मैं नहीं समझता हूं यहां बैठे लोगों के बीच में कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जिसके घर में कोई ना कोई योजना ना लिया हो, कोई ऐसा घर नहीं बचा। इसलिए हमारी प्रयास है कि हर घर में सरकार की आवाजें पहुंचे, सरकार की योजना पहुंचे, ताकि हमारा गांव का अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। इस राज्य को आगे बढ़ने और विकसित राज्य बनाने के लिए हमारे गांव को मजबूत होना जरूरी है। अगर गांव मजबूत नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं होगा तो झारखंड मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए हम हर हाल में गांव को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न रोजगार के माध्यम से, और हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, इसके लिए हर प्रयास हमारा चल रहा है। तो इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, और भी कार्यक्रमें हैं हमारी, अभी बहुत जल्द हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों के तहत और आप लोग के बीच में जाना है। ये पंडाल का भीड़ सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे राज्य में और इस जिले में और दूसरे पंचायतों में भी लगा हुआ है। शायद हमको पता चला है कुछ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। जरा उन पंचायतों से हाल चाल लेते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ हम बहुत सारा गाड़ी घोड़ा देख रहे हैं, हमको तो लगता है यहाँ का शोरूम ही खोल दिया गया है। शोरूम में इतना गाड़ी नहीं जितना यहाँ गाड़ी है। ये सब हमारे ग्रामीण लोगों के लिए है ताकि आप स्वरोजगार कमा सके। आज बहुत सारे युवा महाजनों का गाड़ी चलाने का काम करते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं। हमने ये संकल्प लिया कि आप वो नौजवान किसी महाजन का ड्राइवर का मालिक का काम ना करे, बल्कि उस गाड़ी का मालिक बनकर के काम करे। इसलिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आपके लिए हम लोग लाए हैं। अभी एक और योजना हमारा आ रहा है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जो गांव आज तक आवागमन नहीं होता था उन सब जगहों पर
वो बसें चलेंगी और उस बस में बूढ़ा बुजुर्ग महिला हमारे छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगी। ये हमने योजना बनाया। तो इसलिए साथी और नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं।